हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनते हैं आज कहानी कब्रिस्तान की रात। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। ये भगवान राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। इसलिए ऐसे लक्ष्मवाती लक्ष्मपुर और लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। पर लखनऊ की एक और चीज़ फेमस है, इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानी। जब लखनऊ विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री के हॉस्टल में पढ़ने वाले तीन दोस्त सोनू, विशाल, रोहित के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेज़ों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीन दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुँचे। रात के करीब एक बज चुके थे, सन्नाटा छाया हुआ था और सड़कों पर भी एक दो गाड़ी वाले नज़र आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुँचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवारें टूटी हुई थीं, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीब एक बज चुके थे। सोनू, ठीक है विशाल, कल मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूँगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता, और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। इतना कहकर विशाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बात कर रहे थे, पर रोहित आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। सोनू, रोहित तू कब्रों को इस तरह क्यों देख रहा है, यहाँ सारे मर्दों की लाश है, किसी लड़की की नहीं है। ठरकी इंसान, विशाल इसका बस चले तो लड़की को कब्र से निकाल कर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सोनू और विशाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित, अरे नहीं सोनू, मैं तो इन कब्रों पे लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस थॉमस हैक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिर में थी, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूल को तोड़कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुन सोनू और विशाल भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सब में से एक सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। विशाल, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए, मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ अब तुम दोनों, मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुन सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए, और विशाल अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था। और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास के नाचने लगा। उसकी नज़रें पूरे कब्रिस्तान की तरफ दौड़ रही थी। तभी ज़मीन से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़कर उसे कब्र में नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था, और जब उसकी नज़र अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नुचा हुआ था जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाल कर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया, उसी को घेरने उसी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाज़ आने लगी। और ठीक उसी की आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से सिपाहियों को उन्हीं की बंदूकों से उन्हीं का सीना छलनी कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दनों दोनों को काट रहे थे, और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों में गर्माहट बढ़ गई थी। पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित ही थे, और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू,
अबे देख कितना पट्टू है ये रोहित। अबे जब इतना ही डर लगता था तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ क्यों की थी? ज़रा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल बंद करो तुम लोग अपनी नौटंकी और चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं अभी क्या देख रहा था? विशाल जानता था कि जो उसने अभी देखा है वो कभी अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ ही था तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रोहित, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना? विशाल, पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ़ की तरह ठंडे हो चुके हैं, मैं कहता हूँ चलो। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल, सोनू ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा था पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ उसे एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक ना सुनी और देखते ही देखते विशाल को फांसी की वजह से छटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो हैं जो तू नहीं समझ रहा। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैग और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेज़ी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेज़ी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटका तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूकें और तलवार से विशाल के शरीर को छलनी करना शुरू कर दिया जिससे विशाल के मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी जिन्हें देख दोनों की सांस तेज हो गई। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती विशाल की लाश दिखी जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे ज़मीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था, साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था पर अब ये पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम ने इसे ये बात साबित हो चुकी थी कि बाहर से भले ही उसके शरीर कोई खरोच ना हो लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ा था और अंदर में मांस नशे यहाँ तक कि हड्डियाँ भी कटी हुई थी। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ सालों बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमय तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट में लिखा था, शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ पड़ा था और तलवार में मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ में एक थाने में धूल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था, सरकार ने कब्रिस्तान को संस्कृत करते हुए चारों तरफ दीवार बना दी थी और लाइट की सुविधा कर दी थी। अब ये रोज रात पर चलती है लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।